क्या सुदर्शन चक्र शिवजी ने विष्णु जी को दिया था? मित्रों, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में मिथ है कि सुदर्शन चक्र ये पहले शिव जी का था, पर बाद में उन्होंने विष्णु जी को दिया। मित्रों, सुदर्शन चक्र जब ब्रह्मा और शिव जी नहीं थे तब से ही है, पर श्री हरि अपने लीला में उनके अस्त्र दूसरों से लेते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख के आप सब समझ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना ये हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मित्रों, भगवान श्री हरि लीलामय है। महाभारत में जब श्री कृष्ण और अर्जुन खांडव वन को जलाना चाहते थे तब तो वरुण देव ने श्री कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र दिया था। अब इसका यह मतलब तो नहीं होता कि सुदर्शन चक्र वरुण देव का है और ये उन्होंने श्री कृष्ण जी को दिया था। अगर ऐसी सोच कोई रखता है तो वो मूर्ख है। मित्रों, ऐसे ही जैमिनी महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में थे तब शांतिपुनि मुनि ने उनकी बुद्धिमता से खुश होकर उनको सुदर्शन चक्र दिया था। अब इसका यह मतलब तो नहीं होता कि सुदर्शन चक्र शांतिपुनि मुनि ने बनाया था। अगर ऐसी सोच कोई रखता है तो वो मूर्ख है। मित्रों, ऐसे ही सेम वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम अगस्त्य मुनि से मिलने गए थे तब मुनि ने राम जी को सारंग धनुष दिया था। मित्रों, सारंग धनुष विष्णु जी का ही धनुष है, ये उन्होंने लीला में अगस्त्य मुनि से लिया था। मित्रों, वही वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र मुनि ने राम जी को नारायण अस्त्र दिया था। नारायण अस्त्र राम जी का ही है, पर उन्होंने लीला में अपने गुरु विश्वामित्र मुनि से लिया था। अब आप इसका ये मतलब तो नहीं निकालेंगे ना कि ये अस्त्र विश्वामित्र मुनि ने बनाया था और बाद में उन्होंने राम जी को दिया। ये सब मूर्ख लोग सोचते हैं। वैसे ही सेम सुदर्शन चक्र विष्णु जी का ही है, पर लीला में उन्होंने ये अस्त्र एक बार शिव जी से लिया था। भगवान श्रीहरि अपने अस्त्र किसी से भी ले सकते हैं। सुदर्शन चक्र वास्तव में समय चक्र है और समय को चला रहे हैं विष्णु जी। भगवान श्रीहरि की लीला को ना समझने वाले ही ये मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि सुदर्शन चक्र शिव जी ने विष्णु जी को दिया था। मित्रों, अगर आप अभी नहीं समझे तो एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। भक्त लोग हर रोज तुलसी पत्ता भगवान को अर्पण करके पूजा करते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं होता कि तुलसी पत्ता भक्तों ने बनाया और बाद में भगवान को दिया। वैसे ही मित्रों, सब श्री हरि का ही है, हम उन्हीं की चीजें उन्हें दे रहे हैं, इसमें हमारी महानता क्या है? इस सारे सृष्टि के अस्त्र भगवान श्री हरि के ही हैं। उनके अस्त्र कोई उनको दे दे, उसमें शिव जी की, वरुण देव की या संदीपनी मुनि की क्या महानता है? भगवान श्री हरि ही सब कुछ है। ये उनकी कृपा ही है कि वे उनकी चीजें हमें दे रहे हैं। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि विष्णु जी ने उनकी लीला के लिए शिव जी से अपना अस्त्र लिया था। अब इस कंफ्यूजन से दूर हो जाइए और खुले मन से हरि भक्ति करें। हरि ही सब कुछ है, इसलिए उनकी सेवा करें और अपने जीवन का कल्याण करें। एक बार मेरे साथ जोर से बोले, परम भगवान श्री कृष्ण जी की जय। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसे लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।